मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार का चेहरा बने हैं। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह, जेल, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन, राजस्व जैसे विभाग यानी कि मुख्य विभाग मिल सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चा है, यानी कि गृह मंत्री के तौर पर आपको वो नजर आ सकते हैं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय दिल्ली से ही होना है, मोहर वहीं से लगेगी और उसके बाद ही औपचारिक ऐलान जल्द होगा। विभागों का बंटवारा इंतजार किया जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कल विभागों का बंटवारा हो जाता पर हो नहीं पाया। अब जल्द हो सकता है बंटवारा, विभागों में बंटवारा जल्द हो सकता है। तो विभागों को लेकर पहले भी सवाल रहा, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आपने कैबिनेट की देखी है, तमाम दिग्गज नेता इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा मुख्य जो विभाग है वो इन्हीं नेताओं में बांटे जाने, इस प्रकार की खबरें।